नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली, जैसे कि स्टॉक का प्राइस लिस्ट होने के बाद यहाँ पे बेस फॉर्मेशन किया था। फाइनल यहाँ पे आईपीओ बेस को ब्रेकआउट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को फॉलो किया था और प्राइस टॉप में देखिए डबल टॉप क्रिएट करने के साथ इस डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि प्राइस क्या कैरेक्टर है, प्राइस हमेशा से एक चैनल को फॉलो करता है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा एक अप ट्रेंड चैनल को फॉलो करता है, प्राइस अगर नीचे आएगा एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो करता है, प्राइस अगर कंसोलिडेशन करेगा तो एक फ्लावर चैनल के अंदर कंसोलिडेशन करता है। एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे टॉप ट्रेड करने के बाद इस डाउन ट्रेड चैनल को फॉलो कर रहा था और इस चैनल का अपर बाउंड्री जो कि रेड लाइन है, प्राइस जब भी देखिए उस लेवल को टेस्ट किया है, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है और जब भी लोअर बाउंड्री जो कि इंपोर्टेंट सपोर्ट है ब्लैक लाइन को टेस्ट किया है, मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है और फाइनली स्टॉक का प्राइस के जो डाउन ट्रेड था ना, प्राइस देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गली यहाँ पे वीकली कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है और जिस टाइप का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ एक मारबोज कैंडल कंस्ट्रक्शन किया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ से लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है, जो कि लेवल बन रहा है नियरली 700, जो कि बनेगा पहला टारगेट। सेकंड टारगेट के लिए यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को, क्योंकि लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू ही टारगेट मेजर करते हैं। यहाँ पे सेकंड टारगेट बन रहा है 1.600 का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, जो कि बन रहा है नियरली 900। पोटेंशियल हाई कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस इस दोनों टारगेट को टेस्ट कर सकता है, उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी को एंड खुद का एनालिसिस को ऐड कीजिएगा। अगर अभी हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स यहाँ पे डाउन हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे 20 करोड़ से जंप हुआ है 40 करोड़ तक, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखाई दे रहा है एंड आने वाले टाइम में उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा आ सकता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं नियरली 47%, जो कि लोअर साइड के ऊपर है बिलो 40%, लेकिन मेजोरिटी होल्डिंग अभी भी प्रमोटर के पास है। एफआई होल्ड कर रहे हैं 10.32%, डीआई होल्ड कर रहे हैं 6.44%, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, बस पब्लिक के पास थोड़ा सा ज्यादा माल है 36% के आसपास, जो कि रेड फ्लैग है। किसी भी स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग अबव 20% आप उसको कंसर्न मान सकते हैं, उसी हिसाब से आपका प्लानिंग कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।